हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि मैं इस वीडियो में अमेज़न जंगल में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर बनाया हुआ वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वह वीडियो देख सकते हो। मैं वह वीडियो ऊपर आई कार्ड में दे दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, आज मैं आपको इस वीडियो में अमेज़न जंगल में रहने वाले पांच सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर वन, इलेक्ट्रिक ईल। आप सभी को मैं बता दूं, यह एक मछली है जो पानी में करंट मारती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल रखा है। यह मछली 600 वोल्ट तक का झटका मार सकती है, जो कि इंसान को भी आराम से मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में ही करंट तैयार होता है, इसके कारण 200 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक करंट मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल करंट के द्वारा मगरमच्छ को भी मार सकती है और यह ज़्यादातर अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है और इनका वजन लगभग 20 किलोग्राम तक होता है। और यह मछली करंट का यूज छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए भी करती है। अब नंबर सेकंड, पॉइजनस फ्रॉग। अमेज़न फॉरेस्ट में मौजूद पॉइजनस फ्रॉग की बात करें तो इसके जहर से 10 लोगों की मौत सिर्फ 3 मिनट में ही हो सकती है और यह मात्र 2 इंच इतना ही बड़ा होता है, मगर यह अपने 2 बूंद जहर से किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में शामिल कर दिया है। और इनके रंगों की बात करें तो यह येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर में भी आपको दिख जाएंगे। और इनकी एक और खासियत बता दूं कि यह जितने चमकदार होंगे उतने ही जहरीले होंगे। और इस जहर का उपयोग अमेज़न जंगल में रहने वाले शिकारी शिकार करने के लिए भी करते हैं। अब नंबर थर्ड, ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में स्पाइडर की 3600 स्पेसीज पाई जाती है। इनमें ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर सबसे खतरनाक और जहरीली है, जो कि इंसानों को भी आराम से मार सकती है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह मकड़ी ज़्यादातर ब्राज़ील में ही पाई जाती है और यह मकड़ी अपने जहर का ज़्यादातर यूज शिकार करने के लिए करती है। अब नंबर फोर, बुलेट एंट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एंट इतनी खतरनाक है कि वह जब काट लेती है तब बंदूक की गोली लगने जैसा दर्द होता है। इसी के कारण इस एंट का नाम बुलेट एंट रखा है। इनकी खोज सन 1793 में की गई थी। इस चींटी की लगभग 90 प्रजातियां खोजी जा चुकी है। इनकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है और इनका डंक लगभग 3 मिलीमीटर इतना बड़ा होता है और इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। अगर आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है तो आप समझ लीजिएगा कि बुलेट एंट काटने पर मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से 30 गुना अधिक तेज दर्द होता है। अब नंबर फिफ्थ, वैम्पायर बैट। इस दुनिया में करीब 1300 प्रजातियों के चमगादड़ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ अमेज़न जंगल में भी मौजूद है। यह चमगादड़ ज़्यादातर पक्षियों का ही खून पीते हैं। जैसा कि आप सभी को ही यह बात पता है, चमगादड़ से बीमारियां फैलने का खतरा होता है, क्योंकि उनके मुंह में 280 तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसके कारण दूसरे जीव बीमार पड़ सकते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिम जनजातीय लोगों में चमगादड़ काटने से रैबिस फैलने का खतरा भी बढ़ा है। तो यह थे अमेज़न जंगल में रहने वाले पांच सबसे खतरनाक जानवर। तो आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। और साथ ही साथ
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।